और 10-15 बैंड बजा वाले बैंड बजा रहे हैं, ढोलन ढोल बजे रही। अच्छा जी कहीं लेना तो नहीं कतरा रही क्या पाछे भाई, एक ही चलती रहे टमक टमक करते रहे। ए भाई रुके नहीं धीरे है, हां आ जाओ तो था आ जाओ। और बाबा जी सांगला घूट रहा आइया धीरे धीरे थाने तालिया नगड़ आवाज दे दे चाली बाबा जी नगड़ा धीरे आइया धीरे आए बाबा दुई सागल कुटी ना मजे आयो नवडे बलद उपो जुए किलकारे किदी ने बलद भड़क्यो जे बलद भड़कना है एक बोपा नीमड़ा पे एक गोल में एक लारी के नीचे एक लारी के ऊपर अब लारी के नीचे जो केरिया वो बलद है कि क्यों रहा है लारी के ऊपर केरिया दम जा बड़ा तो ठीक घूम रहे हो आज भाई क्या ट्रेस अरे भाई साहब मैं चला गया भाई साहब मैं चला गया स्थान पे पूछने के लिए वहां बहुत भीड़ लग रही थी तो नंबर नहीं आवे तो साइड में तीन चार और हिल रहे थे यूं मैंने कहा ये फ्री बैठे आप इनसे पूछो मेरे को देखते ही भाई को जोश आ गया भाई बोल कई तकलीफ मैं क्या बाबा जी छोरा नहीं भेजो है इसमें हंसवाली कई बार अगर मेरे लड़का नहीं हो रहा है तो इसमें आपको इतना खुश होने की खातिर और आप तो ताली बजा रहे हो वो मेरे को मालूम है क्यों नहीं हो रहा है और सिर्फ मेरे को ही मालूम है क्यों नहीं हो रहा है मैं बताऊँ आपको क्यों नहीं हो रहा अच्छा बाप को फाड़ने नहीं होने हाँ क्यों नहीं मेरा मैं बता मुंडो बंद करो बताता क्यों नहीं हो रहा है तो विदा हो रहा था तो बड़े साला जी ने कहा कमर साहब छीछी के कुछ नहीं होना चाहिए ओप साहब वो के हाय चले बबूत मैं बबूत लेने जावा लगे पूरी बात बोल उन्होंने दो लाइन में बात कही थी साझे सड़क के दरबार में पूरी मस्ती से जीना ढाक के लगा के जिंदगी का हर पल जीना तनाव गम ये सब फोकट की बातें हैं कुछ नहीं होता है मस्ती होती है पूरी जिंदगी में सुख कभी मत लेना सुख का अपोजिट होता है दुख मैं कहता हूं आनंद लेना आनंद का कोई अपोजिट नहीं होता है आनंद का सिर्फ परमानंद होता है वाह वाह दो लाइन में बात कही थी मैं एक लाइन सुनाऊंगा अगर दूसरी लाइन समझ में आए कई लोगों ने सुन रखी है लेकिन फिर भी मेरा साथ देना अगर दूसरी लाइन समझ में आ जाए पूरा सदन भरपूर तालियों से मुझे विदा कर देना ले बबू मैं जवाब लगे बोले हाय पूरी बात आगत मत कर ने मनी भभूतरा भरोसे मंत्री जे रही बहुत बहुत धन्यवाद मां पापा क्यों मैंने बेटे में जावा वो बात नहीं की मैं पापा बेटा कहीं करना बोला थले गए नहीं करना जिन्हें करना वही कर ली तो मैं कहा थले बेटा कहीं ना कहीं तो बोलना तो पड़ी बेटे बेटा मैं कहीं करांगे यू कीजिए क्या भाई घड़ी बढ़िया ही कई बात भी भाई यू किसर परी की हाल उम्र कहीं की भाई और मुंडो यूं कर दीजिए और पैसे बैठ जाए आधा घंटा तक ये कैसेट चालू गया कि भाई किस तरह की दो दिन पहला मत देगा भाई मरवा के दो दिन पहला कैसेट होता है लास्ट में कीजिए बाहर में का दिन पाछो आओ कई काम है तो हाँ बेटा मैं डर को हाँ मैं क्यों बैठवा ने सही कह रहे हो सर अध्यक्ष मोदी जी बैठवा नहीं क्यों अरे नहीं तुम्हारी कविताओं की फरमाइश है कोई चरको उंदरो वाला कैसे वो मेरी नहीं है वो मेरी नहीं है मेरे परम मित्र दीपक पारिक की है भाई साहब मेरी नहीं है हमारा दूसरा उंदरो और है घना उंदरा आपका घना मैं बताना चाहता हूँ मैं क्यों बैठवा ना तीन चार वोट मोट करने बैठा था मोटको मोटको भाई बच में बैठे तक मैं सकल ऐसी बनाई
जने माखी भाई नहीं मारी भाई नहीं कई बात भाई क्यों किस तरह तक या कई भाई की उम्र है कि जावट मोटो क्यों बैठा भाई ने मरिया ने तो 10 साल हो गया तो बासा मरिया था काम मैं क्यों गलत 64 के और संभाल ली थी बात में मैं क्यों बासा किस तरह मरिया बोले चबूतरी में बैठे रहता एक्सपोर्ट इंपोर्ट को काम करता मैं क्यों 17 साल का बोले 90 साल का अतराग में 4 साल को छोड़ो कूद तो उचक तो मोटके गोदी में बैठ गई मैं क्यों यो था को पोतो है गई बोले हाँ हाँ मारो भाई है बासा मरता मरता खेत की एक पाती और कर गया है अरे आप हंस रहे हो ताली बजा रहे हो टेक्निकल फॉल्ट है इसमें भाई ने मरे ने 10 साल भी किया छोड़ो 4 साल को इसे किस तरह की बात छोड़ो 4 साल का भाई ने मरे 10 साल भी किया बोले बासा समाज सेवक भी तो आया किस तरह पढ़ा गया बासा बोले चबूतरे में बैठा रहता एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता मेरे को 90 साल में गजब काम करता है मैं कहीं करता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बोले वो रुकमणी घरों निकलती खेते छोड़े था फिर खेतों निकलती घर छोड़ा था मैं अतरो चाल जाता नहीं है हाँ हाँ आंखें छोड़ा था और रुकमणी घरों निकली करे एकदम ठेर पॉल में मैंने थोड़ा का तक मैं बांसा नाली पड़ गया माँ के मन का भी घोर पड़ गया बांसा पड़ गया तो कहीं करा कर बिल ओड़ा ले चलो राम से नहीं मैं तो ले कि मैं जावे कर एक बार अपन नाना ने खाती की वैन है वह वैन लाओ और वैन लाया और काका गांव का बेला है मोटी काकी ने भाई ने नारायण काकी ने मामा सान मामा से की छोरी ने बुआ सान वहां का छोरा छापरा सब बेला है भाषा पड़ गया जी वे नहीं न सब का सब रहनी वेन में मई गया भाषा बांध नहीं रही क्या अच्छा भाषा बहुत इंटेलिजेंट है बहुत मस्त है भाषा आनंद लेता हर पल को अच्छा आप तो जानते पर क्या प्यार करते थे हाँ भैया कागज लिखते थे चिट्ठी जिस पर एक फूल छपा होता था एक ऐसा दिल बना होता था जिसमें एक तीर फंसा होता था और ऊपर लिखते मेरे दिल की रानी धापुड़ी नीचे लिखते तेरे दिल का राजा चंपालाल और आजकल का प्यार का सिस्टम बदल गया देखो और छोरा फोन कर रहा छोरी को जानू बोले हाँ जानू बोले हाँ जानू मारे 100 रुपये को रिचार्ज करवानी बोले वेंटी बानू तो कराया 1 मिनट पहला अच्छा थारी से पाछू लाज क्योंकि सोच रहा हिंदी फिल्मों के डायलॉग समझ में आते थे सीन समझ में नहीं आते थे ये वही ताली बजा रहे जिनको सीन समझ में आते थे हमें नहीं आते मार कहते एक दिन लपड़ो गया मम्मी पापा कहते बांधने पर आ गया मैं किराए पे लाया VCR टीवी आखिर रात मैंने चलाओ के चक्कर में 6 लाइना देखते रहे हम सुबह पापा आई गया कहीं की तो रात पर हमारे लाख हमदार कोशिश की थी पापा आज सुबह कहीं नहीं क्यों देखा हट मेरे को सब पता है पर मैं हमेशा वही देख के दिखे यार लेकिन साहब मेरे पिताजी को पता था कि मैं कौन सी फिल्म देखने जा रहा हूँ आज मेरा बेटा मोबाइल पर क्या देख रहा है मुझे नहीं पता वाह वाह मेरे गांव में मोबाइल आ गया इंटरनेट आ गया लेकिन साहब मेरा गांव न गांव बन पा रहा है न शहर बन पा रहा है साहब तो मैं रचना सुनाता हूँ कि हमने सोचा यार हमारे गांव को शहर बनाए